डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। नाइन्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ने के लिए जैसा कि हम आप जानते हैं एक्सरसाइज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.4 तक के हम लोगों ने किया था, उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्सरसाइज ये 2.4 का है, 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा एक बार देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सवाल में बोल रहा है के का वैल्यू हमें निकालना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था एक्सरसाइज 2.4 का। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन इच द फॉलोइंग केस। सबसे बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालना है जबकि गिवन है x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। पी एक्स का एक फैक्टर x माइनस वन है, सो x माइनस वन इक्वल टू कितना, 0। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस वन है उधर जाएगा तो प्लस वन। अब हमें क्या करना है कि x का वैल्यू तो वन आ गया। अब पहला सवाल में पी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहला में पी एक्स इक्वल टू 0। अब पी एक्स का वैल्यू सवाल में देख पा रहे हैं आप, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह पर कितना रखना है दोस्त, यहाँ से 1। हर सवाल में जितना भी क्वेश्चन बोल रहा है, हर क्वेश्चन में x की जगह पे कितना रखना है, 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो हाँ, 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 1 कितना हो गया, 2 प्लस के इक्वल टू 0, इसलिए k इज इक्वल टू, प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2। उसी तरीके से अब दूसरा सवाल में देखिए, दूसरा सवाल में भी पी एक्स इक्वल टू कितना करेंगे, 0। और दूसरा सवाल में, दूसरा क्वेश्चन में हमें जो पी एक्स का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि x की जगह पे हमेशा कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ आप 1 रखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो k का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, जरा देख लीजिए, k बराबर ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो माइनस 2 माइनस रूट 2। माइनस अगर रूट 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ रूट 2 प्लस 1। इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्या बोल रहा है सवाल में कि x माइनस 1 जो है फैक्टर है, इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। उसके बाद जो भी पी एक्स में वैल्यू दिया रहेगा उसको 0 करके x का वैल्यू पुट कर देंगे और फिर k का वैल्यू निकाल देंगे। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी वैसे ही बोल रहा है। करना क्या है आपको तीसरा के लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपको पी एक्स इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अब इसमें तीसरा नंबर में पी एक्स कितना दिया है, तो इसमें दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स
एक्स की जगह पे कितना रखना है, वन, तो यहाँ हो जाएगा के इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। के को वन से गुना करेंगे, के माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए दोस्त के का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस में रूट टू है उधर जाएगा तो रूट टू, ये प्लस में वन है उधर जाएगा तो माइनस वन। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा तीसरा का। अगर हम चौथा का बात करें तो चौथा पे भी ऐसा ही बनेगा, हालांकि इसमें भी लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की जगह पे कितना रखना है, वन, के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। के को वन का स्क्वायर से गुना करेंगे, के माइनस थ्री प्लस के, एक मिनट, डबल वर्क तो के नहीं ना है, हाँ ये डबल वर्क के है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे के और के मिलके कितना के हुआ, टू के, और ये माइनस थ्री उधर गया तो तरीके से इस सवाल में हमें के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये था हम लोगों का तीसरा का चार क्वेश्चंस, जिसको हम लोग के का वैल्यू निकालना था इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज 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 करना है, जिसमें पहला सवाल है 12x² माइनस 7x प्लस वन। ठीक है, अब 12x² माइनस 7x प्लस वन है, इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब इसे जब फैक्टराइज करना है तो हम कैसे फैक्टराइज करेंगे ये समझिए। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए 12x² इस -7x को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना में हम लोग करेंगे ब्रेक कि हमें कॉमन निकल सकता है। या फिर हम इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो 12 1 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 6 12, 2 3 6, और तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब इसको हम लोग कितना में जोड़ घटाव करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए और गुना करने पे 12 आ जाए, 12 एकम 12, तो 2 2 का 4 और 3 में इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 7 भी आ जाएगा और 4 और 3 को गुना करने पे 12 भी आ जाएगा। इसलिए इसको ब्रेक करते हैं -4x -3x प्लस वन। तो हम लोगों को यहाँ यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 4x, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वन, और जो यहाँ पे ब्रैकेट लिखते हैं वो यहाँ पे भी लिख देंगे, और फिर आगे हो गया माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन हो गया, 4x माइनस वन और 3x माइनस वन, ये हो गया हम लोगों का फैक्टर। चलिए अब अगले क्वेश्चन दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा, 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें अगर बात किया जाए 2x² प्लस 7x प्लस 3 में, तो यहाँ से हम लोग 3 और 2 को गुना करना है, एक बिना x वाला और एक्स स्क्वायर को गुना किया जाता है, कितना होगा, 3 2 6, 6 को आप तोड़ेंगे तो 2 3 6 टूटेगा। हमको जोड़ने घटाने पे कितना लाना है, 7, तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर 6 गुना 1 करने पे 6 आ जा रहा है, 6 और 1 जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको जोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए 6x और x पे, 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा, और गुना करने पे 3 2 6 हो जाएगा। क्या कॉमन होगा यहाँ से, 2x,
टू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस थ्री बचेगा, और जो यहाँ एक्स प्लस थ्री होता है आप एक्स प्लस थ्री दोबारा बार लिखिए, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि वन बचेगा क्योंकि वन को एक्स से गुना। यहाँ पे क्या लिखना है तो अपने हिसाब से लिखना है कि किससे यहाँ पर क्या नंबर रखेंगे, कौन से नंबर रखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्स मिलेगा। पता चला वन, फिर क्या करेंगे, जो बाहर है उसको एक साथ लिखा जाता है, टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे आते हैं इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। 6x² प्लस 5x-6। आप ये को बताइए हमें कि यहाँ पे और 6 को गुना करने पे कितना रहा है, 36। 36 का गुणनखंड तोड़िए, 2 18, 2 9, 3 3, ठीक है। अब इसको हम लोग कितना के रूप में इसको तोड़ेंगे, कितना के रूप में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, दिख रहा है बीच में क्या है, 5। तो जोड़ने घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए और गुना करने पे 36 आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, 3 दुना का 6 और ये 2 और 3 एक साथ ले लेते हैं 6, तो 6 6 मिलके 12 हो जा रहा है, हमको 5 चाहिए। तो 2 दुना का 4 और 3 3 के 9, 9 में से 4 गया 5, जोड़ने घटाने कुछ पे भी होना चाहिए, तो 9 और 4 का अंतर डिफरेंस 5 आ जा रहा है और गुना करने पे 36 आ रहा है। तो कोई बात नहीं है भाई, आप इसको कर लो 6x² और 9x-4x कर लो, क्योंकि 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5। कैसे ब्रेक करना है तो यहाँ से आपको अपने तरीके से सोचना पड़ेगा कि किसको किसको लें कि जोड़ने घटाने पे हमें 5x मिले। आगे देखते हैं, यहाँ यहाँ से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x+3, और यहाँ पे भी अगर 2x+3 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा, देख पा रहे हैं। अब इसका हम लोग जो बाहर है उसको एक साथ लिख देंगे, मतलब 3x-2 और 2x+3, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दिया। अच्छा, यही हम लोग का फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है इसका चौथा नंबर, 3x² - x-4। आप हम क्या बोलें कि 4 और 3 को क्या करिए मल्टीपल, तो 4 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो 12 2 6 12, 2 3 6, बस इतना ही लगेगा। अब किसको किसको हम लोग तोड़ेंगे कि यहाँ माइनस में 1 आ जाए, एक्स के बगल में -1 है, तो 4 और 3 में ब्रेक करना होगा क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 3x² - 4x+3x करेंगे, -4x के आगे क्यों लगाएं, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू रहेगा तभी ना यहाँ -x होगा, -4। अब देख पा रहे होंगे यहाँ यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है, आप x कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच रहा है 3x-4 और यहाँ आप 3x-4 लिख दीजिए तो यहाँ +1 बचेगा। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पे देखा जाए तो x+1 और 3x-4 कॉमन हो गया, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये चौथा नंबर का कुछ क्वेश्चन था जिसे हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बार क्वेश्चन ये बोल रहा है पांचवा नंबर में, इसे भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। अब पांचवा में भी 4 क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x³-x²-x+2। आप देख पा रहे होंगे इसमें इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें इसमें आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन दिख रहा है तो आप यहाँ से चीज़ों को समझिए, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन था x³-2x²-x+2, ये था। आप यहाँ से देख पा रहे हैं इसमें इसमें क्या कॉमन है,
एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन है तो अब अंदर में क्या बचेगा, तो एक्स माइनस टू। अब यहाँ से भी आप चूँकि एक्स माइनस टू लिखिएगा, क्योंकि एक एक जो चीज़ ब्रैकेट में आता है उसी को हम लोग दोबारा लिख देते हैं। अब यहाँ तो माइनस एक्स चाहिए, तो एक्स यहाँ प्लस में है तो माइनस वन से मल्टीपल कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू, ये हम लोगों का फैक्टराइजेशन हो चुका है, ये फैक्टराइजेशन। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। देख पा रहे होंगे इसमें इसमें क्या कॉमन है, आप देख पा रहे होंगे इसमें इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, लेकिन एक्स स्क्वायर से हमें काम नहीं होने वाला है, आपको जो है ना कुछ ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ऐसा ब्रेकआउट करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है कॉमन आसानी से ले सके, ठीक है, आसानी से कॉमन ले सके। तो ऐसे सवालों में हमको फैक्टराइज अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इसको तो हम लोग जैसे कॉमन करके बना लिए, एक आसान मेथड हो गया, लेकिन हम चलिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग एक और तरीका पहला क्वेश्चन को ही समझते हैं। सबसे पहले हमें किसका फैक्टराइजेशन तोड़ना है, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन तोड़ना है, तो जिसका फैक्टराइजेशन तोड़ना पड़ेगा उसको आप पी एक्स मान लीजिए, तो लेट पी एक्स का जगह पे एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो मेरा मतलब कि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब चेक करना पड़ेगा, आपको अलग अलग वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। पी वन रख के चेक कीजिए कि कितना आता है, तो पी वन रख के हम चेक करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है, वन का क्यूब माइनस टू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस टू वन प्लस टू, तो सब चीज़ कट के ज़ीरो आ गया। दोस्तों ऐसे सवालों में करना क्या है, आपको हमेशा अलग अलग वैल्यू पे चेक करना है अपने तरीके से सोच के, वन पे चेक करेंगे, टू पे चेक करेंगे, माइनस वन पे भी चेक करेंगे, माइनस टू पे भी चेक करेंगे, आपको हमेशा चेक करते रहना है। और जिस पॉइंट पे चेक करने से ज़ीरो आ गया, हमको तो फिलहाल वन पे ही ज़ीरो आ गया, आपको जो अक्सर चेक करना है वन टू थ्री तक के चेक करना है, और ज़ीरो पे चेक करना है, ज़ीरो पे चेक कर सकते हैं, या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इतना ही पे ज़्यादा आपको आ सकता है ज़ीरो, देख पा रहे हैं, इतना पे ज़्यादा ज़ीरो आने का संभावना होता है। हम लोग इसीलिए वन पे यहाँ चेक कीजिए, तो जिस पे संभावना रहता है, यहाँ पे कितना पे ज़ीरो आया, वन पे, यानी कि ये जो वैल्यू हम क्यों वन पे चेक किए, अपने से सोच के, अगर वन पे ज़ीरो नहीं आता हम टू पे चेक करते, टू पे चेक नहीं आता माइनस वन पे चेक करते, मतलब हमें चेक करना है वन पे रख के टू पे रख के, ये एक अलग विधि है, मेथड है। तो हम वन पे रख के वैल्यू निकालें तो इसका जीरो आया, इसका मतलब हुआ इसलिए एक्स माइनस वन, एक्स अपने तरफ से देना है और यहाँ वन के आगे प्लस है तो इसका उल्टा कर देना है माइनस वन, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब एक्स माइनस वन से क्या करना है, डिवाइड करना है किसमें, तो एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। आप देख पा रहे होंगे एक्स को यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे तभी तो यहाँ एक्स क्यू आएगा, और इस माइनस वन को एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, ये माइनस और प्लस, माइनस एक्स प्लस टू। अब एक्स को किसके साथ करेंगे दोस्त, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक्स को हम माइनस एक्स के साथ करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना बच रहा है, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है ना,
तो ये हो जाता है प्लस एक्स, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बच गया, माइनस टू एक्स प्लस टू, तो एक्स के साथ कितना से गुणा करेंगे, माइनस टू के साथ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, जीरो। इसलिए हम लिखेंगे एक्स माइनस वन मल्टीपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब क्या करना है, ए को तो ऐसे ही छोड़ देना है एक्स माइनस वन, अब इसको फिर से न्यू तरीके से करना है, तो इसको तरीका क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस टू एक्स और प्लस वन रहेगा, तभी ना दो और एक को घटाएंगे तो माइनस एक होगा और माइनस टू, तो कुल मिलाकर हमें आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स 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 यहाँ पे बन जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, तीन ठो गुणनखंड आ जाएगा। यहाँ पे भी ये भी आंसर सही है, क्योंकि हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो एक्स प्लस वन ए प्लस बी, ए माइनस बी और एक्स माइनस टू बचेगा, तो इस तरीके से भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसी मेथड का यूज करते हुए आपको पांचवा का दूसरा बताते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है पी एक्स का वैल्यू, तो एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये दिया हुआ है। दोस्त हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे सवालों में आपको चेक करना होता है कि किस पॉइंट पे जीरो आ रहा है। ठीक है, आप x बराबर वन पे चेक कीजिए, तो पी वन पे चेक कीजिए, तो वन का क्यूब प्लस 13 × 1² 32 × 1 प्लस 20, वन का क्यूब वन प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, 3 × 2 = 5, 3 × 5 = 2, 3 × 4 = 6, सॉरी 3 × 5 = 6, 66 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हमें 66 आना चाहिए, नहीं, आपको अगेन चेक करना पड़ेगा पी माइनस वन पे चेक कर लीजिए कितना आता है, तो माइनस वन का क्यूब प्लस 13 × -1² प्लस 32 × -1 प्लस 20, माइनस एक हो गया, ये हो जाएगा प्लस 13, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही रह जाता है, माइनस 32 और प्लस 20, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ 20 और 13 को जोड़िएगा तो 33, और माइनस 32 और माइनस एक 33, जी हाँ यहाँ पे कट के हम लोग का जीरो आ गया। दोस्त हम क्या बोलें कि आपको अपने तरीके से चेक करना है, इस पे नहीं आया कट कर दें, इस पे आ गया करेक्ट कर देंगे, इसलिए हम लिखेंगे कि एक्स और यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा, जिस पे जीरो आता है उसका उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स ना, कि एक्स प्लस वन जो है इस पी एक्स का फैक्टर हो जा रहा है, तो जब ए फैक्टर हो गया तो हमें क्या करना है, अब एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है इस पी एक्स में, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, फिर क्या करना है, भाग करके जो हम लोगों को यहाँ पे क्वोशियंट मिलेगा उसको फिर तोड़ना पड़ेगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 12x² प्लस 32x प्लस 20, यहाँ एक्स है यहाँ लाना है 12x², तो 12x से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12x² प्लस 12x, साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा 20x प्लस 20, यहाँ एक्स है तो
अब किससे गुना कर देंगे दोस्त, 20 से। तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस 20, कट करके 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ हम लोगों को ये चीज़ जो मिल रहा है वो कितना कितना को गुना करने पे, तो x प्लस 1 को मल्टीपल करेंगे इतना के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एक्स प्लस 1। अब इसको हमको चेक करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 है, तो कितना कितना में जोड़ेंगे कि जोड़ने पे 12 आ जाए और गुना करने पे 20 आ जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। यहाँ से आप x प्लस 1 और यहाँ यहाँ से कॉमन कीजिएगा, तो x प्लस 10 ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 10। तो इस तरीके से आंसर जो आएगा x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 10 ब्रैकेट x प्लस 2। तो इस तरीके से हम लोगों का फैक्टर टूटेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस एक्सरसाइज में पांचवा के टोटल 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें हम 2 क्वेश्चन को ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड को बना दिए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी बना दिए हैं हम, ठीक है, सेकंड भी बता दिए थर्ड भी बता दिए। एक क्वेश्चन सिर्फ आपको बचा हुआ है चौथा, उसमें आपको जो है पी वाई का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो आप इसमें भी पहले चेक कीजिएगा इसके तरह कि जिस नंबर पे अगर 0 आता है उसी को हम लोग पलट दिए। जैसे मान लेते हैं पी टू पर करते 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 0 आता, तब हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस टू, क्योंकि टू के आगे क्या है प्लस, तो उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।